लॉकडाउन के हिसाब से जब ऑफिसेज खोलने की जितने प्रतिशत की छूट सरकार के द्वारा दी जाएगी उतने प्रतिशत शाला के अंदर टीचर आएंगे, शेष को दूसरे कार्य में लगाया जाएगा। इसलिए दसवीं और बारहवीं की जो एग्जाम्स कैंसिल की गई हैं उसके बारे में जल्दी हम मेथड तैयार करके और जो बच्चे पढ़े हैं उनका किस प्रकार से मार्किंग होगी दसवीं और बारहवीं की वो तय करके, यानी सर ये परीक्षाएं नहीं होंगी, ये कैंसिल का मतलब यही मानते हैं? कैंसिल का मतलब ये है कि परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन जैसे CBSE ने ये कहा है कि अगर कोई बच्चे उससे हमारी मार्किंग से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर सामान्य स्थिति होने पर कोरोना खत्म होने के ऊपर उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। तो ये विकल्प हमारे लिए भी खुला हुआ है, लेकिन आज की तारीख में जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि दसवीं और बारहवीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं, नहीं होंगी। क्या पैटर्न कुछ डिसाइड, कुछ फॉर्मूले पे बात हुई है सर? क्या नहीं, वो फार्मूले पे यहाँ पे बात नहीं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को तय करना है कि किस प्रकार से उन्होंने टेस्ट लिए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स ली है दसवीं के। रीट भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट rkalert.in पर पा सकते हैं, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके चेक कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे गूगल पे भी आके rkalert.in सर्च कर सकते हैं। जैसे आप rkalert.in सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है आज तक की जितनी भी सरकारी नौकरी है उनसे रिलेटेड और इसके अलावा रीट भर्ती से रिलेटेड, राजस्थान पुलिस फिजिकली रिजल्ट और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम डेट से रिलेटेड आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। अगर आपको रीट भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा अपडेट्स चाहिए तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नया इंटरफेस ओपन होने के बाद में यहाँ पे आप सारी की सारी अपडेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो गाइस लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाइए और चेक कीजिए क्या मार्क्स हैं, ग्यारहवीं में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, बारहवीं में जो बच्चा पढ़ा है उसने किस प्रकार से पढ़ा है, कितना वर्कबुक में काम किया है, कितना उसने टेस्ट में लिखा है, कितना ऑनलाइन वो बिजी रहा है, किस प्रकार से रहा, तो वो सारी चीज़ें देख करके एक मेथड जल्दी हम लोग तय करेंगे जिससे बच्चे के भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो और वो पूरी तरीके से संतुष्ट रहे कि हाँ मैं इस कैटेगरी का था जितने नंबर मेरे आए। नए शैक्षणिक सत्र को लेकर एक बार दोबारा बता दीजिए सर, क्या नया शैक्षणिक सत्र 6 तारीख तक था, 7 से खुल गया। PO हमारा पहले से ही मौजूद है, कोरोना में उसकी ड्यूटी है। जितना लॉकडाउन कार्यालय खोलने के बारे में छूट देगी सरकार उतने प्रतिशत टीचर को ही स्कूल में बुलाया जाएगा, लेकिन जब तक सार्वजनिक परिवहन चालू नहीं होगा तब तक वो टीचर अगर विद्यालय में नहीं जाता है तो उसके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा, जो जिले से बाहर का है या आ नहीं सकता हो किसी कारण से, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी में आता है कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुला हो तो झुंझुनू का आदमी, अलवर का आदमी बाड़मेर में कैसे जाएगा, इसलिए उसका भी हमने ध्यान रखा है। बाकी शेड्यूल हम लोग कल जारी कर देंगे कि उसको क्या क्या करना है, विद्यालय में कितने प्रतिशत को आना है, उनको बच्चों को किस प्रकार से जो स्माइल प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से कैसे तैयार करना है, वर्कबुक कैसे तैयार करना है, उनका एडमिशन कैसे होना है, उनका प्रमोशन के जो बनाने हैं मार्कशीट वगैरह, प्रमाण पत्र बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, ये